नमस्कार, आप न्यूज फोर्डेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शराबबंदी के खिलाफ लगातार बीजेपी सदन के अंदर हो या बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजियां करते नजर आ रहा है। सर, क्या बात है, आखिरकार सदन की कार्रवाई क्यों नहीं आप? देखिए, इस शराबबंदी वाले नीति पे सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है और जितनी घटनाएं घटती जा रही है लगातार आप देख रहे हैं जब से लागू हुआ है। हमारा केवल कहना है कि एक बार चर्चा हो, एक बार बहस इस पे हो। रिव्यू का मतलब उसको हटाना नहीं है, उस नीति को रिव्यू करे, चर्चा हो और उस चर्चा में जो कुछ फायदे की बात हो सकती है, जो कुछ सीखा है 5-7 वर्षों में लोगों ने, तो उसका फायदा लिया जाए। हम लोग इसे जैसे पूरे बिहार में 1,64,000 लोग जो है शराबबंदी से अब तक के उनके उनको लाभ मिला है, लेकिन फिर क्यों बीजेपी इतना लाभ मिला है? मतलब उसका पूरे शराबबंदी पे है ना, एक व्हाइट पेपर लाने का प्रयास करें। व्हाइट पेपर लाए, हम लोग जवाब दें उसका, कितने लोग फायदे में हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने पकड़ाए हैं, पकड़ाने वाले कौन कौन है, उसका सामाजिक समूह क्या है, देखना चाहिए। आप देखेंगे कि ताड़ी वरी के नाम पे, दारू के नाम पे अधिकांश कमजोर वर्ग के लोग पकड़े जा रहे हैं, वो पासी पासवान पकड़े जा रहे हैं, मूसर पकड़े जा रहे हैं बेचारे, और अमीर तो अमीर अपना कर ही ना जो कुछ है। इसलिए कुल मिलाकर के उसे एक व्हाइट पेपर लाए, सरकार क्यों नहीं कर रही है, आखिरकार सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हम इस पक्ष के हैं, उससे हमारा आज का जो था, जो स्थगन मोशन था हमारा, वो रोजगार पे था हमारा, जिससे बेरोजगारों पे हमले हो रहे हैं, सड़क पर डेली गोली और लाठी चल रहा है, शराबबंदी पे बोल नहीं रहा, रोजगार पे बोल नहीं रहा, तो आखिरकार सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? ये निकम्मी सरकार है, इसको जाना है, निठल्ली सरकार है। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि सरकार अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, जिस भाषा का इस्तेमाल नीतीश जी ने विधानसभा में किया है, आज वहाँ पे भाषा नहीं बताया लेकिन उंगली से उन्होंने सत्ता पक्ष के लोगों को हम लोग के खिलाफ खड़ा किया, और दोनों आमने सामने थे हम लोग, आज दोनों ही समूह के लोग आमने सामने थे, आज उंगली दिखा दिखा करके कहा कि तुम लोग भी निकलो और जाओ सामने से, तो लेकिन हम लोग संयमित रहे। यस, बानी उन्होंने खराब बानी का इस्तेमाल किया कल विधानसभा में, और अपने हरकतों से उंगली से दिखा दिखा करके उन्होंने पक्ष विपक्ष को सामने खड़ा कर दिया ताकि टकराव हो जाए, लेकिन ये हम लोग का प्रयास था कि टकराव नहीं होने दिया। हम लोगों ने, हम चाहते कि चले लेकिन चर्चाओं से जाए, ये डेमोक्रेसी में क्या है, वाद विवाद हो, चर्चा हो, डिबेट्स हो, इसीलिए हम लोग का आग्रह है कि इन तमाम विषय पर चर्चा हो। राजनीति का अनुभव आपके पास है उतना, और उसे कई गुना ज्यादा सीएम नीतीश कुमार सबके साथ, चाहे लालू प्रसाद हो या फिर बीजेपी हो, सबके साथ में कर चुके हैं। जितने नजदीक से आप उनको जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। क्या आखिरकार अंदरूनी क्यों ऐसा, कौन सा ऐसा बात है जो नीतीश कुमार आखिरकार क्यों नहीं ऐसे खुल करके सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं, क्यों बचना चाह रहे हैं? नीतीश जी इस देश के राजनीति में सबसे चतुर राजनीतिक है, चतुर मानता हूँ मैं चालाक नहीं कहूँगा, चालाक थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन जिस राजनीतिक चतुराई से वो चला रहे हैं, चतुराई को उनको देश समझ गया, समाज समझ गया, बिहार समझ गया है, इसलिए बिहार में कैसे रेलिवेंट बने रहे हैं। कैसे नहीं समझे लालू प्रसाद यादव, बिहार में लालू प्रसाद बेचारे बीमार हैं, वो कैसे समझेंगे, इसलिए उनके उनकी चालाकी चतुराई को बिहार समझ गया है। आने वाले तमाम चुनाव में आप देख रहे हैं, 3 चुनाव अभी हुआ है, हम 2 चुनाव जीते हैं और तीसरे में हम सबों ने अच्छी फाइट दिया है, कुल मिलाकर के उनका प्रासंगिकता खत्म हो चुका है, रेलिवेंस खत्म हो गया है। अब नीतीश जी इरेलीवेंट हो गए हैं, अब तेजस्वी जी उनको पीएम बना रहे हैं, आईयू उनको सीएम बना रहे हैं, ये बिल्कुल जो खेला चल रहा है ये पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये चतुराई भी मैं कहूँगा कि मूर्खतापूर्ण चतुराई है उनकी, इसीलिए ये सब बंद करें, किसी को पीएम किसी को सीएम बना रहे हैं, ये जो स्थिति उनकी है अब पॉलिटिकली बिल्कुल इरेलीवेंट हो गए हैं, नीतीश जी बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं, उनका बिहार में कोई तवज्जो नहीं, कोई उनका महत्व नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे संजय पासवान का, जिस तरह से सदन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा था बीजेपी, उस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया सीएम नीतीश कुमार पर कि उंगली दिखा करके अपने सदस्यों को वो पोर्टिको में जाने को कहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ वो चाह रहे थे कि किसी तरह हाथापाई हो, लेकिन बीजेपी के जितने भी लीडर थे वो अपना आपा वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल करके रखे हुए थे ताकि आगे चल करके किसी तरह का कोई वहाँ पर हिंसा ना हो, आपस में लोग टकराए नहीं, इस बात का भी ख्याल बीजेपी रखा है। हालाँकि बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह से आमने सामने सरकार और विपक्ष है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सदन की कार्रवाई चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपस में ही नेता टकरा रहे हैं। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।